मैं यशा विनय माँ समुद्र विद्या के ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं में वयोजन मूलक हिंदी जो है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, उसका हमने एक वीडियो में अभ्यास किया था। अब हम आगे अभ्यास करें, तो आगे अभ्यास करें इससे पहले हम ये जानें कि हमने क्या क्या सीखा। प्रथम तो हमने ये सीखा कि सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होगा। फिर हमने कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त की, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर फ्लॉपी के बारे में, सीडी रोम के बारे में और इंटरनेट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम देखेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर का विश्वव्यापी जाल है, तो इंटरनेट इसका छोटा रूप है। क्या कहते हैं, इंटरनेट जो है वो आपस से जुड़े कंप्यूटर है उसका विश्वव्यापी ख्याल है, तो कंप्यूटर इसका इंटरनेट है वो इसका छोटा सा रूप है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो आपसी नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि सरकार और कंपनियों का जो विभिन्न ऑफिस कंपनी के विभिन्न ऑफिस है उसका जो आपसी नेटवर्क होता है उसे हम इंटरनेट कह सकते हैं। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, वही इंटरनेट किसी खास संस्थान की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। क्या कहते हैं कि इंटरनेट है वो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन जो इंट्रानेट है वो किसी खास संस्थान की जरूरतों के लिए होता है। तो क्या होता है इंटरनेट, इंटरनेट क्या है कि वो इंटरनेट का एक छोटा सा रूप है। सरकारी कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों में इसका नेटवर्क आपस में इसका नेटवर्क होता है और वो इंटरनेट का वो किसी खास संस्थान की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। अब हम आगे देखेंगे www, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी दुनिया भर में फैला जाना। इंटरनेट पर यह हमें अपनी पसंद की साइट तक पहुंचा सकता है। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर हमें जहां पर अपनी जो पसंद की साइट है वहां पर यह हमें पहुंचाता है। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर हैं। वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया के रूप में होती हैं, यानी कि इसमें हम चीज पढ़ सकते हैं,
द्वारा भेज सकते हैं। क्या कहते हैं कि आप अपनी ईमेल साइट खुद, आप अपनी ईमेल आईडी खुद बना सकते हैं और आप जहां भी जाए अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इस आधुनिक युग में हमारे लिए एक ना एक ईमेल आईडी तो होती ही है। विश्व में कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट पहुंचने तक, इंटरनेट तक पहुंचकर आप ईमेल भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि विश्व के कहीं भी कंप्यूटर को आपकी जो ईमेल आईडी है उसको आप लॉगिन करो तो आप भेज भी सकते हैं ईमेल और आप प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज वाली फाइलें भी भेज सकते हैं। क्या कहते हैं कि ईमेल है उसके साथ आप चित्र इमेज भी भेज सकते हैं और कुछ फाइलें भी, और भी फाइलें भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का महत्व बढ़ गया है। यानी कि रोजाना के कामकाज के सिवा जो बिजनेस संबंधी काम है उसमें ईमेल का बहुत महत्व होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने देखा ईमेल, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा पेस्ट करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पर आप अपना डेटा पेस्ट करते हैं तो उसके लिए इस लैंग्वेज का उपयोग, इस कंप्यूटरी जुबान का उपयोग होता है। आगे देखें HTTP का अर्थात है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब है उससे कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाने या भेजने तो इसके लिए इस सिस्टम का उपयोग होता है। इसे भी वेबसाइट के पते में 222 के जरिए लिखा जाता है। तो यह देखा आपने HTTP। अब आगे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यह हर तरह असल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और वेब चला प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य है क्योंकि इससे ही आपके कई सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चल सकते हैं। अब देखें ब्राउजर। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में मदद करता है। क्या कहते हैं कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब वहां तक पहुंचने में मदद करता है। नेक्स्ट है नेविगेटर एक्सप्लोर, इसके प्रमुख उदाहरण है। जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउजर के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। क्या कहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर पर जब ब्राउजर के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। तो यह देखा हमने ब्राउजर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इंट्रानेट, www, ईमेल, HTML, HTTP, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर के बारे में माहिती प्राप्त की। अब आगे के जो प्रोग्राम है और जो कुछ भी है, आगे के जो है उसकी प्राप्त